दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फैन के स्टेटस को इस फैन बॉक्स में कैसे आपको फिट करना है। तो ये सीलिंग फैन है दोस्तों, मैं इसके स्टेटस को निकाल करके मार्केट लेके गया और इसको बंधा करके लाया हूँ मात्र 120 रुपये में। तो ये एल्युमिनियम में हमारा जो स्टेटस बंधा हुआ है 120 रुपये का। आप भी अगर चाहें तो जैसे आपका फ़ैन ख़राब हो जाता तो आप मार्केट लेके जाते तो उसका 250 से 300 या 400 रुपये आपका जो है मैकेनिक आपसे वसूल लेता है। तो आप अगर चाहें तो इस स्टेटस को फैन से निकाल करके आप मार्केट में बस इसको रिपेयर करवा के ला सकते हैं, यानी कि इसको आप पूरा का पूरा न्यू बनवा करके ला सकते हैं। 120 रुपये में आपका जो है स्टेटस आपका तैयार हो जाता है। तो चलिए इस स्टेटस को मैं आपको इस सीलिंग बॉक्स के अंदर फिट करके दिखाता हूँ और इन चार वायर का कनेक्शन कैसे करना है और कैसे ये फैन काम करेगा। तो चलिए आज मैं आपको इसकी सारी जानकारी देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपका सीलिंग फैन का बॉक्स है जो मैंने यहाँ पर इसके जो पार्ट्स थे वो सभी के सभी इसी के अंदर रख दिए थे। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सीलिंग फैन को मैंने पहले से ही इसके अंदर सारे सारे पार्ट्स जो इसी के अंदर मैंने डाल दिए थे। ठीक है, तो इस तरीके का इसके अंदर जो है ये इसके पार्ट्स हैं और ये इसका बैरिंग है। ₹40 के बैरिंग आते हैं। देखिए, एक बैरिंग इसका इसके नीचे इसमें डाल दिया और एक यहाँ पर डाल दिया। अब इसका स्टेटस है, हमें इस स्टेटस को इस फैन में ऊपर वाले में हम इसको सबसे पहले यहाँ पर सेट करें। इसके अंदर से यहाँ से आप इन तीन चारों वायरों को आप यहाँ से निकाल करके, ठीक है, आप इसमें यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। ठीक है, चोट करेंगे हल्का सा क्योंकि आप इसको सेट करना है। जितना भी आप इसको सेट कर सकते, पहले आप इसको ऊपर वाली तरफ इसको सेट कर लेंगे। फिर ऊपर सेट करने के बाद इसमें आप यहाँ पर स्प्रिंग डालेंगे। स्प्रिंग नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं है, आप तब भी इसको चला सकते हैं। अब सबसे पहले आप ये जो है आप इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, देखिए बैरिंग पे आपको इसको टच करते हुए, ठीक है, और जहाँ पर इसके जो है निशान है उसी निशान के आमने सामने करते हुए देखिए। तो देखिए हम इसको उसी के सामने सेट करके इसको फिट कर देंगे। अब इसके हम तीन के तीन पेंच को लगा देंगे, इसी तरीके से इसके तीनों पेंच बना देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसके सारे रिपीट लगा देंगे। ये थोड़ा टाइट चल रहा है तो इसलिए थोड़ा इसको थोकना पड़ेगा। चलिए किसी थोड़े से मतलब हथौड़ी या प्लास के माध्यम से इसको थोड़ा सा थोक लेंगे तो ये सेट हो जाएगा अपनी जगह पर। और अब घुमा करके देखिए, ये देखिए कितना शानदार घूम रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अपनी जगह पर थोड़ा सा हो सकता है कि ठीक से नहीं बैठा था। अब इसके जो सभी पेंच हैं हम अच्छे तरीके से इसको सेट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल फैन हमारा फ्री घूम रहा है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसके सभी पेंच को थोड़ा सा इसको और थोड़ा ठोक करके सभी पेज को ढंग से टाइट कर देंगे ताकि इसमें कोई भी लूजिंग ना रह जाए और हमारा जो बीच का जो स्टेटस है ये बिल्कुल फ्री होकर के घूमने लगे। यहाँ से किसी बारीक पेंचकस के माध्यम से या समरसेबल का एक हार्ड तार होता है उसको मोड़ करके एक नोकदार गुंडी बना करके उसके आप तार को खींच सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि ये वायर जो है आपकी कटने ना पाए, नहीं तो आपके जो स्टेटस पे अगर ये टच होगा तो आपके पंखे में जो करंट आने का खतरा होगा। तो वन बाई वन करके इसके चारों तारों को हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद मैं आपको कनेक्शन करके बताता हूँ। बाद हम इसके क्लिप को यहाँ पर टाइट कर देंगे और इसमें कंडेंसर को सेट करेंगे। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। अब कंडेंसर को सेट कर देते हैं। अब हम इसके कनेक्शन आपको बताएंगे कि कंडेंसर को सेट करने के बाद हम इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। देखिए, इसमें जो चार वायर हैं, दो ब्लू और दो रेड, तो एक ब्लू और एक रेड को छील करके एक जगह हम इसको ऐंट लेंगे। ठीक है, तो छील लेते हैं। देखिए, अब हम दोनों तार को एक जगह ऐंट देंगे, हमारी कॉमन वायर हो गई। कॉमन वायर मतलब इसमें हम सप्लाई देंगे डायरेक्ट, और जो बची हुई दो वायर है, एक ब्लू और एक रेड, जो बचे हुए दो कंडेंसर की वायर है हम उनको अलग अलग उस कंडेंसर के साथ में एक एक तार जोड़ देंगे। तो देखिए, हमने दोनों को कंडेंसर के साथ में छील लेते हैं थोड़ा सा।
तो देखिए इन दोनों तारों को ठीक से छील करके एक जगह ऐंठ लेंगे। तो इसको कंडेंसर को भी छील लेते हैं और अब इसके बाद हम इन दोनों तारों को जो छील करके एक जगह ऐंठ देंगे। इसके बाद अब हमें देखना है कि मतलब हमने जो वायर जो कनेक्शन किए हैं इसकी ब्लू वायर और इसकी ब्लू वायर, अगर हमारा फ़ैन उल्टा चलता है तो हम ये तो देखिए एक तरफ कर दीजिए, लेकिन जो ब्लू वायर है हमें मेन मसला जो ब्लू में देखना है, उल्टा चल रहा है सीधा। तो जब हमें लगता है कि हमारा जो फ़ैन है अगर घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो मतलब उल्टा है, और उल्टी घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो सीधा है। अगर हमें लगता है कि हमें मतलब जो फ़ैन हमारा जो उल्टा घूम रहा है तो हम नीली वायर को जो हमारे साथ जो कॉमन वायर है इसके जो नीली वायर है इसको बस पलट लेंगे, ठीक है, अदला बदली कर देंगे। अब हम देखते हैं कि उल्टा घूमता है कि सीधा। तो देखिए अब आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो यानी कि आपका जो नीचे का पार्ट्स है वो घड़ी की दिशा में उल्टा घूमेगा, तो आपका जो फ़ैन है वो उल्टा घूम रहा है। ये देखिए उल्टा घूम रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधा कैसे घूमेगा। ये देखिए घड़ी उल्टी की दिशा में अगर घूमता है तो आपका फ़ैन नीचे का जो पार्ट्स है अब वो आपके घड़ी जो सीधी दिशा में घूमेगी। तो नीचे का जो पार्ट्स है हमें उसको दिमाग में फोकस करना है। ये देखिए अब आपका पार्ट्स ऊपर का उल्टा घूमता हुआ दिखाई दिया, तो यानी कि नीचे का पार्ट्स आपका सीधा घूमेगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए अगर आपका ऊपर का पार्ट्स सीधा घूमता है यानी कि दाहिने हाथ की ओर अगर घूमता है तो समझ लीजिए आपका फ़ैन उल्टा घूम रहा है। कॉमन वायर और कंडेंसर का ब्लू वायर हम टच करके देखते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए आपके दाहिने हाथ की ओर घूम रहा है तो ये समझ लीजिए उल्टा घूम रहा है, और आपके बाएं हाथ की तरफ अगर घूमेगा यानी कि घड़ी उल्टी दिशा में अगर घूम रही है तो आपका नीचे का पार्ट जो है ऑटोमेटिक सीधी दिशा में घूमेगा, क्योंकि इसमें बैरिंग का सिस्टम आप समझ रहे होंगे। आप इसको लटका करके और घुमा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये सीधा घूम रहा है इसमें। तो अब हम इसके कनेक्शन आपको बता देते हैं कि ये कॉमन वायर है, इसको हम सबसे ऊपर लगा लेते हैं, चाहे तो हम इसको नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें जो मेन सप्लाई में डालना है इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो दोनों बिजली की तार हैं हम इसको ऊपर लगाएं नीचे लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हमारा न्यूट्रल ये है जिससे और सीधा नहीं चल पाता, तो हम इस वायर को इस वाली वायर के साथ चेंज कर लेते हैं। तो ये वायर जो हम यहाँ पर ले लेते हैं और ये वाली वायर यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो दो वायर हैं तो इसमें जो हमारी जो न्यूट्रल वायर है वो हमारी ये रहेगी, तो इसको न्यूट्रल वाली को हम बीच में लगा देते हैं। तो ये आपकी हो गई कॉमन वायर, ये आपकी हो गई न्यूट्रल वायर, और जो आपकी तीसरी वायर है ये आपकी हो जाएगी नीचे वाली जो कंडेंसर को नीचे लगा सकते हैं या ऊपर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लू वायर और कंडेंसर को जो है बीच में टाइट कर देते हैं ताकि हमें कोई भी धोखा ना लगे। तो हमने टाइट कर दिया, ठीक है, सबसे पहले ऊपर कॉमन, फिर आपका न्यूट्रल। अब जो बचा हुआ तार है उसको हम नीचे लगाएं या नीचे वाला ऊपर या ऊपर वाला नीचे लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इन दोनों वायर को ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते, दोनों के दोनों ये पावर हैं, ठीक है। देखिए ये इधर दोनों सप्लाई पावर वाली हैं, तो ये जब बिजली के तार है तो उधर वाले हम चाहे ऊपर लगाएं नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने मेन जो न्यूट्रल तार था वो हमने पहले ही बीच में कंडेंसर के साथ नीले वाले तार को ऐड करके बीच में सेट कर दिया है। अब हम सेट कर रहे हैं ऊपर वाली और नीचे वाली तार। तो अब आपका फ़ैन बिजली की दोनों वायर लगते ही चलने लगेगा। तो दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।